नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आज मैं हुंकार का स्पेशल एडिशन आपके लिए लेकर आई हूं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। जी, श्रीनगर में मैं मौजूद हूं और यहां श्रीनगर से बैठकर जरा बात करेंगे दिल्ली की उस सियासत की जहां आज पूरे 136 दिन के बाद राहुल गांधी की संसद में हुई है वापसी। राहुल गांधी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बतौर सांसद उनकी सदस्यता बहाल की गई और फिर आज ही राहुल गांधी संसद पहुंच गए। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी ने आरोपों के साथ राहुल गांधी का संसद में स्वागत किया। जी, राहुल गांधी संसद पहुंचे और बीजेपी की तरफ से आरोपों की झड़ी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर। हवाला दिया गया अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खुलासा हुआ कि चीन अपना प्रोपोगंडा फैलाने के लिए दुनिया भर में फंडिंग करता है और चीन ने एक अमेरिकी शख्स है नेवल रॉय सिंघम, उनके जरिए भारत में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में फंडिंग करवाई। अब कांग्रेस का कनेक्शन बीजेपी ने इससे यह निकाला कि साहब करीब 2 साल पहले इसी मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक पर जब ईडी ने रेड डाली थी तो फिर कांग्रेस के कई नेता समर्थन में इस मीडिया पोर्टल के सामने आ गए थे। इसी को लेकर बीजेपी ने कटघरे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। चीन के साथ कनेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी यहीं पर नहीं रुकी बल्कि अपने पुराने आरोप राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग वाले भी बीजेपी की तरफ से दोहराए गए और इस सियासी आरपार में पलटवार कांग्रेस की तरफ से इस रूप में किया गया कि साहब ये बौखलाहट है बीजेपी की जो संसद में राहुल रिटर्न्स की वजह से देखने के लिए मिल रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज करेंगे चर्चा। यहाँ श्रीनगर से दिल्ली की सियासत पर बात करेंगे लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा क्या है? सेड मेंबर इज नोन टू से आउटलैंडिश एंड आउटरेजियस थिंग्स ऑल द टाइम। द कांग्रेस पार्टी इज वेहेमेंटली अपोजेस व्हाट ही सेड। अगर मणिपुर में हिस्सा हो तो चीन का नाम ले देते हैं, कोई पार्टी आगे से बढ़ रही हो तो चीन का नाम ले देते हैं। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर सब कुछ चीन नहीं करना है तो व्हाट इज द फन फॉर कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान के साफ नजर आने लगा। नेवल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को जो इनके सेल्समैन थे, हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए। चीन के नेताओं को बुला करके झूला कौन झूला रहा था? और आज राहुल गांधी जब संसद में आए और उसके बाद जो नारों का शोर है चारों तरफ जो गूंज है उनके आने की, उससे बौखलाई हुई भाजपा के मंत्री महोदय जो है वो अनाप शनाप बक रहे हैं संसद। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सियासी आर पलटवार पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत आलोक शर्मा जी आपसे करूंगी। जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चीनी कनेक्शन वाले, सर सवाल तो ये पूछा जाएगा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान पर सामान चीनी? क्या चीनी सामान अगर बिक रहा है तो ये सरकार पकौड़े तल रही है। गैस से नाली से गैस निकाल के क्या कर रही है? पकौड़े तलने का काम कर रही है सरकार। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 2021 में सबूत थे तो 2021 से क्या आप अमेरिका के किसी अखबार में कोई खबर छपेगी उसके उस बाद फिर आप उसका यहाँ पर संसद में हवाला देकर सवाल उठाएंगे? 2 साल से अमेरिकन न्यूज़पेपर का इंतजार किया जा रहा था। देखिए, आज राहुल गांधी जी संसद पहुँचे हैं। बीजेपी का जो षड्यंत्र था वो बेनकाब हुआ है। न्यायपालिका ने जिस तरह से पूरी तरह से बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है कि किस तरह से आप षड्यंत्र के तहत लोगों को फंसाते हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ तो होना ही था। आज इनकी पुरानी आदत है, डिनाई करो, चीज़ों को डाइवर्ट कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, डेविएट कर दो। और सबसे बड़ा अगर कोई हितैषी चीन का इस देश के अंदर है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 जवानों की शहादत के बाद भी वो कहते हैं कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के 10 बड़े बड़े खुलासे बताना चाहता हूँ मैं एबीपी के न्यूज़ के दर्शकों को। इन्होंने कहा 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ
ढाई महीने संसद नहीं चलने दी, आज तो एक सांसद महोदय ने कोई सवाल उठाया है, जो सांसद महोदय हमेशा इस तरह के उलूल जुलूल बयान देने के लिए अपने आप में चर्चित रहते हैं। 2G में 176,000 करोड़ का घोटाला हुआ और उसके बाद सब बरी हो गए, इसी सरकार ने कर दिए। कोलगेट में सब कुछ सारा कुछ काला था, फिर उसके बाद सब बरी हो गए। वो हेमंत बिश्व शर्मा की CDI, फिर वो बरी हो गए। मुकुल रॉय सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे, फिर वो बरी हो गए। और फिर उसके बाद अभी मेघालय की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में थी, फिर बरी हो गई। वो PDP के साथ सरकार बनाई, उससे 15 दिन पहले वो सरकार और वो परिवार और सब भ्रष्ट थे, उन्होंने लूट के खाया था, फिर उनके साथ सरकार बना ली, कोई एक जांच नहीं की उनके खिलाफ। उसके बाद अभी आज ही नया एग्जाम्पल है अजीत पवार का, 71,000 करोड़ का घोटाला था और फिर क्या हुआ। आज वाले मुद्दे पर अगर बात करेंगे सर तो बेहतर रहेगा, आज वाले मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। आपने अभी जो बात कही सर, आपने जो बात कही ना, वो उसी बात पर जरा सा जवाब लेते हैं। पहले गौरव भाटिया से, मैं गौरव भाटिया जी, रोमाना जी, सर सुनिए, रोमाना जी देखिए, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, अंतिम बात मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ और ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बारी बारी से अगर कृपया करके आप लोग बात रखेंगे तो दर्शक समझ पाएगा। सर मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, सर मैं आपकी बात लेकर चल रही हूँ गौरव भाटिया के पास। गौरव जी, एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो आलोक जी की तरफ से रखा गया सर, वो ये कि साहब 2021 का मामला है। सर ये सरकार तो मजबूत सरकार है, इस सरकार को 2021 में हवा भी नहीं लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के हवाले का इंतजार कर रहे थे आप लोग इस मुद्दे को सदन में उठाने के लिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के चीन के कनेक्शन को उजागर करने के लिए। सर गौरव भाटिया, रोमाना जी मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो ना वो समझदारी दिखाते हैं ना वो देशभक्ति दिखाते हैं। आज की चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय ये है कि न्यूज क्लिक नामक एक न्यूज एजेंसी है और चीन से उसके संबंध हैं। आपके सवाल का उत्तर पहले देता हूं फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा मजबूत सरकार है, बिल्कुल मजबूत सरकार है, इसीलिए तो हमने देखा गलवान में चीनी सेना पीछे खदेड़ दिया हमारे जवानों ने। आपने कहा कार्रवाई क्या हुई? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर जी ने, रोमाना जी, ये नहीं बताया कि ईडी ने छापा मारा न्यूज क्लिक पे और उसके बाद जो छापा हुआ उस पर कार्रवाई हुई, न्यायालय अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है जो मैं उठाने जा रहा हूं, आप बताइए जब न्यूज क्लिक पे छापा पड़ा तो उसको अभिव्यक्ति की आजादी के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि तब भी यह बात आई थी कि यह विदेशी फंडिंग है भारत को बदनाम करने के लिए। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया, अभिषेक सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि यह फेक न्यूज, हमारा IT सेल चला रहा है। और इनकी साथी है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कह दिया कि लोकतंत्र का जो है घड़ा घोटा जाता है और इंडिपेंडेंट वॉइसेस एंड फेयर थॉट कांट बी सप्रेस मिस्टर मोदी। चार बड़े नेताओं के नाम मैंने बता दिए, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? ईडी अपना काम कर रही थी, ठीक है, और खलबली और घबराहट अगर चीन में थी तो उससे ज्यादा कांग्रेस हेडक्वार्टर में थी। अब मैं एक बड़ी बात करूंगा और अपनी बात को अंत करूंगा, ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये सत्य नहीं है कि हमारी सेना सबसे ज्यादा शूरवीर है, ना कभी पिटी थी ना कभी पिटेगी, बल्कि चीनी सेना को खदेड़ दिया। क्यों राहुल गांधी ने बोला कि भारत की सेना पिट गई? और दूसरी बात, 2008 का करार MOU पार्टी टू पार्टी क्या भारत के हित में है? आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अगर हिम्मत है कांग्रेस के प्रवक्ता में क्या वो अपरिपक्व बाला राहुल गांधी में, देश को जानने का हक है कि नहीं कि उस MOU में क्या लिखा है? उस शख्स के जरिए जिसको चीन ने पैसा दिया, पहले इस पर बात कर लेते हैं सर। आपने बड़ी स्पष्टता के साथ जवाब दिया, मुझे लगता है पॉइंट पर ही रहेंगे। बिल्कुल, मैंने आलोक जी के पास उत्तर दिया। आलोक जी, आपने कहा था कि साहब 2021 में हवा नहीं लगी, पॉइंट नहीं है। आपको ये कह रहे हैं कि साहब 2021 में बिल्कुल हवा लगी और 2021 में ईडी ने एक्शन लिया। यहाँ पर कांग्रेस को अब बेनकाब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तो पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है कि वो ईडी का एक्शन, जिसे तब कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि साहब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, देखिए वो बिल्कुल जायज एक्शन था सर। गलती मानेगी कांग्रेस पार्टी अपनी? देखिए गलती तो पूरे देश से मोदी साहब को माननी चाहिए,
एनडीटीवी ने कुछ सवाल उठाए थे बीजेपी के ऊपर, तो बीजेपी पे रेड हो गई थी। एनडीटीवी के तो सारे कर्मचारी जेल में चले गए होंगे, याद होगा बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर एनडीटीवी के खिलाफ उठा था। अरे भैया आप लोग तो पत्रकार जगत के लोग हो, एक पत्रकार केरल से चला हाथरस को कवर करने, 2 साल जेल में रहा और खबर आई कि दंगा फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपया विदेशों से आया। अब जो है आप और एबीपी न्यूज ने भी ब्रेकिंग न्यूज चलाई। यहां बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दा है आलोक जी, आप इतने परिपक्व प्रवक्ता है भाई, आप जानते हैं जो दर्शक, आप लोग अगर अभी भी नहीं बोलने देना चाहेंगे तो वो न्यूज क्लिक को लेकर है। आप दर्शक को समझने दीजिए ना, ये बोलने नहीं। अरे भाई न्यूज क्लिक के मैं कह रहा हूं, मैं सब चीजों पे जवाब दूंगा ना, बीच बीच में आप बोलेंगे तो कैसे कोई बोलेगा। मैं कह रहा हूं न्यूज क्लिक वेबसाइट बंद हो गई क्या हिंदुस्तान में, बैन है क्या, जवाब है क्या? अगर वो 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग में और तमाम देशद्रोही कामों में इन्वॉल्व थी तो आज तक बैन क्यों नहीं हुई वो? छोड़ दीजिए इन चीजों को, उत्तर बहुत है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, 100 करोड़ रुपए हाथरस से आए थे, एबीपी न्यूज ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, 100 करोड़ में से कुछ पैसे आए थे क्या एबीपी न्यूज के पास? मैं उल्टे सवाल पूछूंगा दिक्कत होगी, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि पीएम केयर्स फंड में चाइना से दुनिया भर का पैसा आया, चाइना से वो पैसा आया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं। क्या बीजेपी उसको सार्वजनिक करेगी कहां कहां से पैसा आया? लाल किले पर जब वो हुड़दंग हुआ उसमें टूल किट आई थी, वहां भी जब भी चाइना से पैसा आया था। अहमद पटेल जी के एक हॉस्पिटल में कभी डायरेक्टर रहे थे, वहां पर 2 मुस्लिम लड़कों को उठाया था और वो आतंकवादी थे। चुनाव खत्म, आतंकवाद खत्म। 2017 का चुनाव था, डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीपक कपूर दोनों देशद्रोही थे, ये भी खबर आई थी ना, और दोनों को कहा गया कि इनके पाकिस्तान से कनेक्शन है। फिर क्या हुआ, ये किरण रिजिजू जी महाराज जो अभी भगाए गए हैं यहां से मंत्रालय से, इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो देश के खिलाफ काम करते हैं, गद्दारी करते हैं, क्या नहीं कहा था? दूसरी चीज अब मैं फिर बताऊंगा, 2021 में खुलासा हुआ था, आज तक ये सरकार पकौड़े तल रही थी बैठकर, फेक न्यूज की फैक्ट्री इनके घर में। चीनी हितों का अगर सबसे ज्यादा कोई ख्याल रखता है तो वो कौन रखता है? देश के प्रधानमंत्री जवाब दिया है सर, यहाँ पर झूला फैलाते हैं, झूला झुलाते हैं और फिर क्लीन चिट देते हैं। आपने जवाब दे दिया सर, बारी बारी से सर, आप दोनों से फिर गुजारिश कर रही हूँ सर, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। आप इतना बीच में बोलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा जी, मैं आपके पास गजब है भाई, आपने सुना? आप 4 बार 5 बार बोली है मेरे वक्तव्य के बीच में। जितनी बातें गिनाई उससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि साहब बीजेपी जो है वो एक तरीके से रिपीटेड ऑफेंडर है, जबरदस्ती झूठे आरोप, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पर किस तरीके के आरोप लगे पाकिस्तान को लेकर उसका उन्होंने जिक्र किया। और वो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब न्यूज क्लिक आज तक उस पर फिर बैन क्यों नहीं? अगर आप ये मानते हैं, सरकार ये मानती है, वो आरोप जिसको लेकर आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि साहब ये चीन के साथ साठगांठ है, तो फिर बंद करिए ऐसे मीडिया पोर्टल को, क्यों चल रहा है वो देश में? तो माने जी देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आज चर्चा का विषय न्यूज क्लिक रखेंगे और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैंने एक प्रश्न तो उठाया कि न्यूज क्यों बंद नहीं हुआ, उसके ऊपर तो सवाल कार्रवाई करी ईडी ने, शांत कराइए रोमाना जी, अब देखिए चिल्ला रहे क्या, कार्रवाई हुई, पोर्टल चल रहा है अभी तक भाई, घबराए हुए हैं क्या आज? मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं दोनों बीच में बोल रहे थे जी, प्लीज सर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दोनों लोग बीच में बोले इसलिए बीच में बोला हूं। मेरे साथ जरा सा गौरव भाटिया को लेकर आइए स्क्रीन पर, गौरव भाटिया को स्क्रीन पर, दोनों लोग बीच में बोले थे मेरे वक्तव्य में, मैं बीच में बोलूंगा पूरे शो में। आइए गौरव भाटिया। रोमाना जी देखिए, न्यूज क्लिक पे चर्चा कर रहे थे, मैंने बताया कि एक चीन घबराया होता है अगर कार्रवाई होती है ऐसे किसी देश विरोधी न्यूज़पेपर पे या व्यक्ति पे, और दूसरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी घबराती है। सवाल बिल्कुल स्पष्ट था मेरा, आपने कहा क्या कार्रवाई करी, न्यूयॉर्क टाइम ने जगाया, मैंने आपको बताया ईडी ने कार्रवाई करी, 2021 की बात है, उनको सपोर्ट किसने किया न्यूज क्लिक को, ये बड़ी बात है। मैंने आपको बताया रणदीप सुरजेवाला ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी जो है आप नष्ट कर रहे हैं न्यूज क्लिक की, इनको शांत कराइए प्लीज, शांत कराइए। मुझे केवल ये बताइए न्यूज क्लिक हमारे कान का नहीं, आवाज आ रही है, ये बताइए न्यूज क्लिक क्यों चल रहा है, इसका उत्तर दूसरी बात ईडी ने किसको जेल चढ़ाया, इसका नाम बताइए। देख रहा है आलोक जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई बीच में आपको नहीं टोक रहा था,
आलोक जी दर्शक ये भी देख रहा है कि दोनों की आपकी जुगलबंदी सम्मान के साथ आप बोल रहे थे आपको दर्शक ये भी देख रहा है कि आप दोनों की जुगलबंदी दो ही लोग हैं यहाँ पर प्लीज अपनी अपनी बारी पर बोलिए आप दोनों लोग बीच में बोले दर्शक को तय करने दीजिए ना आप खुश रहिए आरोप लगाकर ठीक है सर ठीक है अब शाम दर्शक को तय करने देंगे बिल्कुल तय करने देंगे आप क्यों तय कर रहे हैं कि मैं वैसे भी स्टूडियो में दर्शक तय करेगा ना आप क्यों तय कर रहे हैं जी तो सर प्लीज अब आप रुक जाइए गौरव भाटिया बोलने सर सुनने तो दीजिए ना दर्शक को तय करने के लिए गौरव भाटिया बोलने फिर आप आइएगा आराम से जवाब दे दीजिएगा कोई नहीं टोकेगा आपको गौरव भाटिया को सुन लीजिए प्लीज अनइंटरप्टेड आइए गौरव भाटिया तो रोमाना जी सवाल यह है कि जब न्यूज क्लिक पे कार्रवाई हुई तो इन लोगों के दफ्तर में हलचल क्यों बढ़ गई क्यों कहा गया दिग्विजय सिंह ने कहा टैक्स ऑफिशियल जो है और ईडी है ये गलत कार्रवाई कर रही है इनकी प्रवक्ता महोदय ने क्यों कहा कि गला घोटा जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी का अभिषेक सिंघवी रणदीप सुरजेवाला मैंने चार नाम बताए इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया आज मैं एक बड़ी बात बोलता हूं आप याद करिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना राहुल गांधी का काम है और मैं क्यों कहता हूं 17 दिसंबर 2022 राहुल गांधी ने क्या कहा भारतीय सेना पिट गई चीनी सेना से हमारी सेना इतनी वीर है पिट सकती है क्या बाद में खबर आई कि चीनी सैनिक मर गए थे इसलिए मैंने सवाल उठाया दूसरा बड़ा सवाल एमओयू जो किया है देश को हक है जानने का रोमाना जी कितनी घूस ली है इस कांग्रेस पार्टी ने लोग कहते हैं 1.5 करोड़ रुपया तो स्पष्ट हो चुका है उसके अलावा ऐसा लगता है हजारों रोमाना जी रोमाना जी कौन सा टॉपिक चल रहा है खाने का रोमाना जी कोई सबूत है एबीपी न्यूज के पास तीसरी बड़ी बात शांत हो जाइए रोमाना जी एबीपी न्यूज के पास कोई सबूत है जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं चलिए रोमाना जी एक बात बताइए मुझे गौरव एबीपी न्यूज के पास कोई सबूत है बीजेपी का एजेंडा चलवा रहा है सुनिए तो गौरव भाटिया ये तो बताइए ऐसे ही आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कांग्रेस पार्टी कह रही है साहब पीएम केयर्स फंड के अंदर कहां अरे भैया आप कांग्रेस पार्टी के आरोपों में बाद में आएंगे और सर आप ये कह रहे हैं कि आलोक शर्मा की सार्वजनिक क्यों नहीं किया आप ये कह रहे हैं गौरव भाटिया कि रोमाना जी ये गलत बात है सवाल सुन लीजिए गौरव भाटिया चिल्लाइए मत प्लीज मैं आपसे ये जानना चाहती हूं गौरव भाटिया जी मैं आप ही से सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गौरव भाटिया मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गौरव भाटिया न्यूज क्लिक अभी भी एक्टिव क्यों है न्यूज क्लिक को बैन क्यों नहीं किया वो न्यूज क्लिक जहां पर चीनी फंडिंग के आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में आपकी सरकार खड़ा कर रही है वो अभी तक बैन क्यों नहीं हुई है ये एक सीधा सवाल जो अभी पूछा है यहाँ पर इसका जवाब दीजिए ना आलोक जी यही तो सवाल पूछ रहे थे मैं उत्तर दे दूंगा आप इसके बाद आलोक जी से मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा आप सुनिए ये जो ईडी की कार्रवाई हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई ये कार्रवाई है ना और दूसरी बात जो आप बैन करने की कर रहे हैं बैन करने की कार्रवाई भी अगर सरकार करती है तो वो कार्रवाई हो रही है लेकिन आप ऐसे प्रमाण ऐसे साक्ष्य इकट्ठे करते हैं कि कोई न्यायालय जाए चुनौती दे तो वो निरस्त ना हो जैसे पीएफआई आप याद करिए यही कांग्रेसी आके कहते थे कि पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लगाया और पीएफआई पे बैन लगा तो अपनी छाती पीटने लगे एचडीपीआई के साथ समर्थन किसने लिया कर्नाटका में इसी कांग्रेस पार्टी ने लिया तो रोमाना जी पीएफआई टॉपिक है आप मुझे तो टॉपिक समझाती है ठीक है अब जवाब का लव लेटर है वो राहुल गांधी ने पार्टी के साथ हस्ताक्षर किया ठीक है मैं जवाब लेती हूँ आलोक जी से मैं जवाब ले रही हूँ आलोक जी से अब संयम के साथ आलोक जी का जवाब सुनिए आलोक जी आइए आपने सुन लिए सारे आरोप गौरव भाटिया के अब आ जाइए देखिए मुझे लगता है कि पीएम केयर्स फंड का केवल ये फैसला हो जाए कि वो कहाँ कहाँ से फंडिंग आई है वो उस मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने कहा कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है मतलब इससे ज़्यादा देश के साथ गुमराह करने वाला कोई काम हो सकता है जिस पीएम केयर्स फंड में चाइना की बैंड कंपनियां जो हैं जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं उनसे पैसा आता है बीजेपी के जो फंडिंग है उसमें चाइना से पैसा आया कि नहीं इस बात का खुलासा कीजिए 2 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमने जो 2 साल पहले कहा था वो ठीक कहा था क्या न्यूयॉर्क टाइम्स बताएगा देश कैसे चलेगा या ये बीजेपी की सरकार बताएगी मैंने कहा एनडीटीवी पर भी इसी तरह की रेड पड़ी थी और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी और तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एनडीटीवी का क्या हुआ
वो एनडीटीवी जो देशद्रोही था उसको अडानी ने खरीद लिया। आप क्या अभी भी ये कह रहे हैं कि साहब न्यूज़ क्लिक जो है कोई चीनी पैसा उसमें नहीं लगा है? क्या आप ये स्टैंड यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए चीनी पैसा, अरे भाई चीनी पैसा तो भारत सरकार में भी लगा है, भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स में भी लगा है, तो क्या भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से देशद्रोही हो गई क्या? चीन को क्लीन चिट देश के प्रधानमंत्री दें, पीएम केयर्स फंड में ब्लैकलिस्टेड कंपनियों का पैसा देश के प्रधानमंत्री लें, देश का एम्ब्लम लगा के, शेर का निशान लगा के, और पूरा देश गद्दार है, गजब हो गया आप लोगों का। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गद्दार, दीपक कपूर भी गद्दार, अहमद पटेल भी गद्दार, और गूगल चार चीजें पोस्ट गलत कर दे तो गूगल के यहां भी रेड डाल दो, 6 लोग दिल्ली पुलिस के जाएंगे, गूगल भी गद्दार, फेसबुक भी गद्दार, एनडीटीवी भी गद्दार। अरे भाई आप पकौड़े तला रहे चल रहे हो क्या? हम ये पूछ रहे हैं कि डराने की कार्रवाई मत करो, अगर आप सरकार के पास एक मिनट में पूछना चाहूंगा बीजेपी के जो एमएलए ट्रेनिंग लेने गए थे वहां पर, और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वहां पर ट्रेनिंग लेने गए थे चाइना में, वो क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे, गए थे कि नहीं गए थे? दूसरी चीज, विदेश मंत्री के पुत्र जिस संस्थान में काम करते हैं, चाइनीज एम्बेसी से उस संस्थान को 3 बार पैसा आया, तो विदेश मंत्री भी गद्दार हैं क्या? उत्तर दीजिए इनका। ठीक है आइए गौरव भाटिया, सवाल आपने सुने, वो कह रहे हैं हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, न्यूज क्लिक के साथ 2 साल पहले जो रवैया किया सरकार ने वो गलत था, वो कह रहे हैं चीन का पैसा आना इसका मतलब गद्दारी या देशद्रोही तो नहीं है, और जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सर आपने सवाल सुने उनके भी जवाब। हाँ, ये चीज सिद्ध करना सरकार का काम है रोमाना जी है। ठीक है सर, जवाब सुनते हैं, आइए गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए विस्तार से। जी आपके 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 चैनल पर ही इनकी जो बेशर्मी है वो सबके सामने आ गई। चीन का समर्थन कर रहे हैं, न्यूज क्लिक का समर्थन कर रहे हैं, और किसके खिलाफ बोल रहे हैं? भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। एक तरफ भारत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार के पास सबूत है तो अभी तक 2 साल से बैन क्यों नहीं हुआ? ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटना बंद करो, शांत करा लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने 20 जवानों की शहादत पर चाइना को क्लीन चिट किया, और आप लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं? विश्वखोर गद्दारों से हमें कोई नसीहत नहीं चाहिए प्लीज सर। आलोक जी आप आराम से बोल रहे थे सर, अनइंटरप्टेड आपकी बात जो है वो दर्शक तक गई है, प्लीज गौरव भाटिया की बात भी जाने दीजिए सर, और मुझे भी सुनने दीजिए, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है जब आप लोग चिल्लाने लगते हैं। मैं बहुत कैंडिडली आप लोगों से कह रही हूँ सर, प्लीज आइए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, हमें एक बात समझनी होगी कि यहाँ पे भी जो तथ्य दिए जा रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड में पहले बताऊं कैसे गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। इनको ये नहीं पता 122 लाइसेंस जो रद्द हुए थे सुप्रीम कोर्ट, आज भी वो जजमेंट है। इन्होंने कहा कोलगेट में किसी को सजा नहीं, इनको ये भी नहीं पता। आप लोगों ने क्लीन चिट दे दी, बंद करो इसे, फिर चाइना पे आओ। ये बौखलाए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री। मुझे लगता है हमें आलोक जी की आवाज थोड़ी सही करनी पड़ेगी, मैं बताता हूं किस पे है। पा रही हूं आलोक जी, मैं कुछ नहीं सुन पा रही हूं, आप बीच में इतना इंटरप्ट कर रहे हैं कि मुझे आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी। आपको आपकी बारी पर पूरा समय दिया गया सर, अनइंटरप्टेड। अब मुझे सुनना है कि गौरव भाटिया जी क्या बोल रहे हैं, ताकि मैं फिर आगे क्वेश्चन कर सकूं। मैं चर्चा आगे बढ़ा सकूं। सर आप कर लीजिएगा टूजी की बात, लेकिन अभी आप सुन लीजिए गौरव भाटिया। सर प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आइए गौरव भाटिया, आवाज थोड़ी कम कर दीजिएगा अगर बीच में इंटरप्शन हो तो। गौरव भाटिया आइए। देखिए आज के मुद्दे पे भी कुछ सवाल उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 झूठ जो आपके चैनल पे बोले गए हैं या नासमझ प्रवक्ता हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, वो बता दूं। पहला, 122 लाइसेंस 2G घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, वो जजमेंट आज भी है, ठीक है। दूसरा, कोलगेट में कहते कुछ हुआ नहीं, सजा हुई है और 214 लाइसेंस रद्द हुए। तीसरा, इन्होंने कहा एनडीटीवी का नाम लिया आपके चैनल पे, जो क्लियर बोले उससे गुजारिश करूंगी कि पर्सनल टिप्पणियों से प्लीज बचें। अरे वो भोंदू राहुल गांधी कहाँ है? भ्रष्टाचारी गद्दार राहुल गांधी कहाँ है? विश्वेश्वरैया बुलवा दो। अरे मुंह देखो अपना, मुंह खोलते हो दांत दिखते नहीं, कोई जानकारी नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं,
सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, प्लीज 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 प्लीज, अरे मैं हकला नहीं हूं, कम से कम तुम्हारी तरह थोड़ा संयम के साथ प्लीज। अरे विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, तुम्हारा हकलू राहुल गांधी हकलाता भी है तुतलाता भी है, लॉलीपॉप खिलाओ लॉलीपॉप। अरे तो इनको बोलिए ना मैडम। गौरव भाटिया मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ गौरव जी, कि ये चीन वाला जो मामला है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच आज बात का मामला क्यों बन रहा है सर? अगर आप मेरी बात मेरे को रखने देंगे मैं रखूंगा, अगर ये बीच में टोकते रहेंगे मैं ऐसे नहीं डिबेट करूंगा। प्लीज आइए प्लीज आइए गौरव भाटिया, आपको समय दे रही हूँ। धन्यवाद। हाँ तीसरा झूठ जो इन्होंने बोला, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इन्होंने कहा एनडीटीवी पे क्या कार्रवाई हुई, इनको ये पता ही नहीं है एनडीटीवी पे भी कार्रवाई हुई है और ईडी ने भी कार्रवाई करी। चौथी बात इन्होंने गलत क्या बोला, प्रधानमंत्री फंड में पीएम केयर में चीनी पैसा आता है। इनको ये भी नहीं अकल है कि अगर कोई भारत में कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है उसमें साझेदारी किसी की भी हो, मेन स्टेक जो है भारतीय कंपनी का रहता है, उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, तो पहले थोड़ा पढ़ा लिखा करें ज्ञान पाए। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। मैंने आपको बताया कार्रवाई पहली जो हुई वो ईडी की हुई, इनकम टैक्स की हुई। आज बड़ा सवाल रोमाना जी बार बार पूछा जाएगा कि आज भी इतने बेशरम है कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी, न्यूज क्लिक और चीन के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े होने में इनको दिक्कत होती है। दूसरी बात, मैंने आपको पीएफआई का उदाहरण दिया, मैंने बताया पीएफआई पे भी साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे करके सख्त कार्रवाई हुई, इन्होंने गठबंधन एसडीपीआई के साथ किया। तीसरी बड़ी बात, ये विदेशी साजिश होती क्यों है, ईवीएम खराब है, आपको याद है कपिल सिब्बल लंदन में बता रहे थे ईवीएम खराब है, एक शुजा 2021 में ईडी ने रेड की थी, 2021 बैन, आपने कहा बैन कर पाए कि न्यूज पोर्टल, आपको पता है वो न्यायालय गए थे, कांग्रेस और राहुल गांधी को कटघरे में आप खड़ा कर देते हैं, उस पर एक्शन के लिए आप कानूनी तौर पर साक्ष्य नहीं इकट्ठे कर पाए क्या अब तक, ये सवाल है? नहीं, एक मिनट सुनिए, हाँ सुनिए, जो ईडी की कार्रवाई होती है ये भी कार्रवाई ही होती है। आपने एक सवाल किया था बैन क्यों नहीं किया, रोमाना जी सुन लीजिएगा अपना सवाल, तो मैंने आपको बताया बैन एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप सब सारे साक्ष्य इकट्ठे करते हो और ये सुनिश्चित करते हैं कि जब ज्यूडिशियल स्क्रूटनी हो तो वो भी ठीक हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गद्दार हो जाएगी, भारत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जो गद्दारी कर रहा है जिसपे प्रथम दृष्टया कार्रवाई हो रही है उसके साथ खड़ी हो जाएगी। सुरजेवाला निकल आएंगे, दिग्विजय सिंह निकल आएंगे, अभिषेक मनु सिंह भी निकल आएंगे बाहर, अरे अपनी जांच एजेंसी और भारत की सेना पे भी विश्वास करो, क्या ये बड़ा सवाल आज नहीं पूछा जाएगा? आप वो सवाल नहीं पूछ रहे, बैन क्यों नहीं किया? अरे मान लीजिए बैन करे ना करे, जो भी जवाब ले रही हूं, जो भी फैसला करेगी जांच एजेंसी, इन तमाम आप पूछने का तो आप गद्दार कैसे हो गए? बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है ना, वो रिपीटेड ऑफेंडर, जिस तरीके के आरोप बीजेपी लगाती रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उसका जिक्र तो बार बार कर रहे हैं ना आरोप, और फिर आप वही सवाल दिखाइए सामने गद्दार राहुल को, दिखाइए आस्तीन का सांप राहुल है ये सार्वजनिक क्यों नहीं करती, क्या आप इसका दमखम नहीं है रोमाना जी? ये पूछे सार्वजनिक क्यों नहीं करते, क्या जड़ में राहुल गांधी है? रोमाना जी किसी भी सांसद को गद्दार कहना सार्वजनिक क्यों नहीं करते, क्या जड़ में राहुल गांधी है? राहुल गांधी की वापसी से बीजेपी बौखला गई है क्या? एमओयू में कि सार्वजनिक नहीं होता? ठीक है आइए आलोक जी प्लीज जवाब दीजिए। रोमाना जी आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, मुझे बहुत ही गलत सवाल किए, चैनल है ज्ञान दे रहा और जिस तरह से आज एक बड़बोला जो प्रवक्ता किसी सांसद को गद्दार कह रहा है, मैं एबीपी न्यूज़ दोनों मेहमान लगातार बोल रहे हैं, हमें एक ही आवाज कम करनी पड़ेगी, प्लीज गौरव भाटिया की आवाज थोड़ी कम कीजिए ताकि मैं आलोक जी को सुन पाऊं। आलोक जी प्लीज आइए, आलोक जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। आलोक जी आपने आरोप सुने गौरव भाटिया के, प्लीज जवाब दीजिए सर। देखिए मुझे लगता है बीजेपी की, आलोक जी बीजेपी की बौखलाहट यह है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई, कुछ अनपढ़ टाइप प्रवक्ता जो हैं आज राहुल गांधी जी को गद्दार कह रहे हैं,
देखिए कितना डर है इनके अंदर, और वो भी एबीपी न्यूज पर। और एबीपी न्यूज एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, मैं समझता हूँ एबीपी न्यूज को उसको खंडित करना चाहिए, कम से कम शो के बाद कर दीजिएगा रोमाना जी। अब मैं आता हूँ, एनडीटीवी देशद्रोही था, गद्दार था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, ईडी के छापे थे, इनकम टैक्स के छापे थे, सब कुछ था। पूरा मैं मौका दे रही हूँ, आप जवाब दीजिए सर, आप डिफेंड कीजिए अपने नेता को। अरे मैं खंडित कर रहा हूँ ना मैम, मैं खंडन कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ एबीपी न्यूज बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, उस पर अगर इस तरह के वक्तव्य दिए जाए तो आप ही की प्रतिष्ठा गिरती है। खैर वापस आता हूँ, एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, वो देशभक्त हो गया। सर मुझे मत बताइए कि हमारी प्रतिष्ठा कैसे गिरती है, अमित शाह जी कल कह रहे थे इस देश ने देखा है कैसे प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, इस तरीके के नारे भी जमकर गूंजते हैं, तो प्लीज हमें मत बताइए कि हमारी प्रतिष्ठा कैसे गिरती है कैसे नहीं गिरती है। मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लंच दिया हुआ है। मुझे लगता है चौकीदार चोर है कि जिस दिन जांच होगी चौकीदार चोर है कि उस दिन आपकी प्रतिष्ठा वापस बढ़ जाएगी। एनडीटीवी देशद्रोही था, इनकम टैक्स चोरी करता था, पता नहीं क्या क्या करता था, और उसके बाद वो अडानी ने खरीद लिया, वो देशभक्त हो गया। अजीत पवार सबसे भ्रष्ट आदमी था, 800 करोड़ का घोटाला था और हजारों करोड़ का एनसीपी ने घोटाला किया। कल अमित शाह जी कह रहे थे कार्यक्रम में कि बोला इन्होंने बहुत देर कर दी हमारे यहाँ आते आते, ये बहुत अच्छे आदमी थे। गजब है भाई, मतलब इतना दोगलापन। आप लोग केवल और केवल आरोप की राजनीति करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी आज संसद पहुंचे हैं, बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा लगा है कि आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, और जिस तरह से संसद में उनका स्वागत हुआ है बीजेपी की चूल हिल गई है पूरी तरह से। मणिपुर पर जवाब नहीं दे पा रहे, मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है, मेवात में हिंसा करवाते हैं आप लोग, और न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई चीज खबर छपी है उसके ऊपर वक्तव्य देते हैं। मैं फिर कहूंगा जांच के नाम पर किसी को डराना गलत है। गूगल के यहां भी जांच हुई थी, फेसबुक के यहां भी खिलाफत चली थी, आपके क्या हुआ उनका सबका? हम फिर कह रहे हैं न्यूज क्लिक ने अगर गलत किया है, अगर वो वेबसाइट ने गलत किया है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, विदेश मंत्री का बेटा जिस संस्थान में काम करता है उसको चाइनीज एम्बेसी ने 3-3 बार पैसे किस बात के लिए दिए थे, उसका भी खुलासा कीजिए। और इसका भी खुलासा कीजिए कि पीएम केयर्स फंड में जो ब्लैकलिस्टेड चाइना की कंपनियां हैं उनका पैसा कैसे आ गया, बीजेपी को कैसे चाइना का पैसा मिला, ठीक है, इसका भी बता दीजिए। गौरव पाठिया और चीनों चीन को क्लीन जवाब दीजिए सर, मोदी जी ने क्यों सवाल का जवाब देते हुए कि आज जिस तरीके से आक्रामक बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर थी, क्या ये बीजेपी अपनी झेप मिटा रही थी कि राहुल गांधी जिनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है जब निचली अदालत से वो दोषी करार दिए जाते हैं, अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को राहत देती है, दोष सिद्धि पर रोक लगाती है और फिर संसद सदस्यता उनकी बहाल होती है सर और दोबारा वो संसद में आते हैं, क्या इसी की झेप मिटाने के लिए ये चीन वाला वार राहुल और कांग्रेस पर? गौरव भाटिया, देखिए रोमाना जी, आपके चैनल पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई तो इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, मैं इनको बताना चाहूंगा। राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं, भ्रष्टाचारी भी है, बेल पे बाहर है और हकलाता भी है, तुतलाता भी है। विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे तो उनको पहले बताएं कि कैसे हकलाए ना और तुतलाए ना। दूसरी बात, इन्होंने अनपढ़ प्रवक्ता बोला, व्यक्तिगत किसी को अनपढ़ कहेंगे लोग, शर्मा जैसे प्रवक्ता नहीं पड़ेगी आपको, अपॉइंटमेंट शांत और कोई बेल पर नहीं है, शांत गलतफहमी पे मत रहना, शांत कराइए, गलतफहमी में मत रहना, शांत कोर्ट में आपको भी घसीटा जाए, तथ्यों को ठीक पढ़ के आना। अच्छा, अजय राहुल गांधी का पिता बैठा है, राहुल गांधी का पिता बैठा है, आपको संयम से सुना है सर, मैं दोनों से गुजारिश कर चुकी हूँ कि प्लीज इस तरीके के पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए सर, अच्छा नहीं लगता है। और ये तंज करने के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं अनपढ़ कहेंगे तो सुनना पड़ेगा, लोगों के साथ पढ़ाना पड़ेगा इनको, फांसी दिक्कत आती है और हम लोग बिल्कुल असंवेदन हो जाते हैं जब हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे पर तंज और आरोप लगाने के लिए करते हैं। प्लीज थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए प्लीज। गौरव भाटिया आइए, धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, मैं इतना ही कहूंगा, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो ये उसका ओछापन है और चपरासी की नौकरी ना दे कोई इन लोगों को, हाँ आके ये सब अपशब्द बोलते हैं। लेकिन आज की चर्चा में अब आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको ये जरूर कहूंगा रोमाना जी, आप एक और बात कही, आपने कहा शट अप
मेरे जैसे चपरासी हम अपने घर पे रखते हैं। आप लोग राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता हैं सर, प्लीज भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए। दर्शक तो जब वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे तो आप सो रही माना जी, कोई बोलेगा तो सुनेगा, जब उन्होंने व्यक्तिगत बोलेगा तो सुनेगा। प्लीज 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 प्लीज, कोई बनेगा कोई बोलेगा तो सुनेगा सर। प्लीज मत कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ इस तरीके के लेवल पर आकर पॉइंट स्कोर करने की। दर्शक देखते हैं सर, समझते भी। प्लीज थोड़ा सा मैयार बना कर रखिए। गौरव भाटिया प्लीज आइए सर, सवाल पीएम केयर्स फंड पे जवाब दो। पीएम केयर्स फंड में पैसा चाइना से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का पैसा क्यों आया बताइए जरा। आज ये चीन वाला वायर लेकर आइए। ठीक है ठीक है, आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, सवाल पूछ रही हूँ सर। हाँ बिल्कुल, प्लीज गौरव भाटिया आइए। हाँ रोमाना जी, आपने एक सवाल जो मुझसे किया था, न्यूज क्लिक पे क्या कार्रवाई हुई है? न्यूज क्लिक पे इतनी सख्त कार्रवाई हुई, वो दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मेरे हाथ पे है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी इंटरिम ऑर्डर से उनको प्रोटेक्ट किया है, आदेश दिया है कि अभी आगे कार्रवाई को रोकें। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। तो ये तो आपका पहला प्रश्न मैंने उत्तर प्रमाण के साथ दिया। दूसरी बात मैं फिर से कहूंगा, आप याद करिए राहुल गांधी विदेशी कार्रवाई क्या हो रही थी जिसको रोकने का आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। सर ये भी क्लियर कर दीजिए प्लीज। प्लीज क्लियर कीजिए क्या कार्रवाई कहा गया है हाईकोर्ट के लिए, क्या कार्रवाई? आप लोग बैन कर रहे थे न्यूज क्लिक को। मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए सर। बैन से भी बड़ा कार्रवाई रोकने के लिए ईडी ने एफआईआर। हाँ वो हंस रहा है, कोई उसकी खिसियाई हंसी देख रहे हैं, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे है। उसको ये बताइए, अरे बैंक का ऑर्डर है तो बैंक का ऑर्डर दिखाइए ना रोमाना जी, कुछ नहीं है। उसके बाद अरेस्ट होती है। अरे भाई बैन कर रहे तो बैन का ऑर्डर दिखाइए। ये तरीका कौन सा है रोमाना जी? अरे ये क्या है भाई, क्या है ये? नहीं बैन अगर कर रहे थे आप तो बैन का ऑर्डर दिखाइए, आपके पास सबूत है, आप बैन कर रहे हैं। की आवाज थोड़ी कम कीजिए ताकि मैं सवाल पूछ सकूं गौरव भाटिया से। गौरव जी आपने कहा कि साहब हाईकोर्ट ने रोकने का आदेश दिया है कार्रवाई को, कौन सी कार्रवाई को सर? क्या बैन हो रहा था न्यूज क्लिक पर? किस क्या हाईकोर्ट ने किस बात को लेकर ऑर्डर किया? प्लीज क्लारिफाई। मैं अगर आप सुनेंगी तो आपका भी ज्ञान वर्धन कर दूंगा। एफआईआर हुई, क्रिमिनल केस हुआ, इन्वेस्टिगेशन दर्शकों का भी होगा सर, प्रॉपर्टी जब्त होती है जिसमें अरेस्ट होती है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, जिसमें प्रॉपर्टी जब्त होती है, जिसमें सजा होती है तो जेल जाना पड़ता है और अरेस्ट होती है। उसी पे मैंने आपने कहा ना क्या कार्रवाई करी, मैं बता रहा हूं दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और ये 29 जुलाई 2021 का आदेश है। अब ये बात हो गई, अब बड़ी बात जो अभी तक चर्चा में हो रही है वो सर एफआईआर पर रोक लगाई दिल्ली हाईकोर्ट ने। आपने कहा कि राहुल गांधी को राहत पर रोक लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट ने, उन्होंने कहा है नो कोअर्सिव एक्शन, मतलब अरेस्ट नहीं करेंगे आप न्यूज क्लिक को, ठीक है? नो कोअर्सिव एक्शन मेरे हाथ में है, प्रमाण दे रहा हूँ। तुम्हारा जी बात करने दीजिए, ऐसे हर लाइन पे टोकेंगी, ये रिसर्च आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है, ठीक है? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ सर कि क्या इतना साक्ष्य भी आपको न्यायालय के बारे में कुछ पता नहीं है? सामने केस स्टैंड कर लेता और न्यूज क्लिक को बंद कर रहे हैं। जी 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 गौरव भाटिया प्लीज आइए सर। चलिए रोमाना जी आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ ये इंटरिम अंतरिम आदेश होता है, लेकिन मैंने अपनी बात रख दी, अब इस पे एक घंटे चर्चा हो सकती है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, अभी आपने एक और बात उठाई कि राहुल गांधी को राहत मिली सर्वोच्च न्यायालय से। राहुल गांधी ने तो कहा था भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। तो जब राहुल गांधी को राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी तो ये तो करारा थप्पड़ उनके गाल पे है कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है। दूसरी बात, बहाल किसने करा? उनकी जो सांसदी थी वो स्पीकर ने किया है, तो स्पीकर ने तो 24 घंटे के अंदर उन्हें बहाल कर दिया। अगर लोकतंत्र खत्म था और मोदी जी चलाते थे तो बहाली कैसे हुई? ये तो साफ दिखाता है कि अगर कोई गद्दार है, अगर कोई रिश्वत लेता है चीन से, तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है पूरे देश के सामने आके पहले जो करार उन्होंने किया है उसे सार्वजनिक करे।
जो 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत ली है उसको लौटाए, तीसरा राहुल गांधी माफी मांगे जिन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पिट गई। अब इस न्यूज क्लिक वाले मामले में, ईडी के एक्शन के मामले में, और जो कांग्रेस कह रही है कि साहब क्योंकि राहुल रिटर्न संसद में, इस वजह से बीजेपी बौखलाई, उस पर भी गौरव भाटिया ने विस्तार से अपनी बात रख दी। आइए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो विस्तार से बात रखी उसी में बौखलाहट बहुत, उसी में झूठ बहुत है। आपकी 9 साल से सरकार चल रही है, अगर चाइना से किसी ने घूस ली तो आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। उसको जेल में क्यों नहीं डाला, अभी तक FIR क्यों नहीं की उसके ऊपर? हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठे हैं वकील साहब, नो कोरोसिव एक्शन। नो कोरोसिव एक्शन का मतलब होता किसी भी तरह की दंडनात्मक तक कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट 2021 में लेता, आज तक आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए उसके खिलाफ? अरे भाई सुन, भाई सुन, बोलना, अरे भाई अनपढ़ आप हैं, हकले महोदय आप हैं, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, मैं ठीक है, अरे भाई, अरे भाई, मैं बहुत दूर बैठा हूँ, मैं बहुत दूर बैठा हूँ, आवाज क्लिक हो रही है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हकले लोग बोलना ना सिखाएं हमें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए आप लोग अभी तक? अरे भाई सुनो, आपका हाई कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट ने कहा, हम चर्चा करते हैं, आप रोक लेने, आप रोमाना जी को रोकिए ना। हमने चर्चा किस स्तर को कहां पर पहुंचा दिया सर? राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय, रोमाना जी रोकिए ना इनको भाई, लेवल पर आकर जब बात करते हैं सर, रोमाना जी रोकिए ना इनको, मजा नहीं आता है सर। नहीं सर, मैं तो अब आप दोनों को ही रोकूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर सवाल ये है कि साहब चीन का भारत में ये दुष्प्रचार आखिरकार क्यों बन गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आर पार का पूरा मामला? इसको लेकर अभी सियासत आने वाले दिनों में और गर्माएगी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये एक और नए सियासी युद्ध का आगाज होता हुआ फिलहाल यहां से नजर आ रहा है। फिलहाल हुंकार में मुझे इजाजत दीजिए।